ये मोबाइल फोन आपके होश उड़ा देगा। आप भी सोचे होंगे दुनिया में ऐसा कौन सा मोबाइल फोन है जो कि सब मोबाइल फोन्स का बाप है, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सका आज तक। तो इस वीडियो का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, साथ इसके साथ स्पेसिफिकेशंस भी आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को कम्प्लीट देखना। तो उस मोबाइल फोन का नाम है ROG 6 Pro। डिज़ाइन की बात की जाए तो काफ़ी गज़ब की लुक दे रहा है। इसके अलावा इसके साइड से आप फिनिशिंग देख सकते हैं और काफ़ी अल्टीमेट फीचर्स आपको प्रोवाइड करने वाला है ये फ़ोन। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर जो खास बात है वो ये है कि ये गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, गेमर्स इसको यूज़ कर सकते हैं अगर उनके पास बजट अच्छा खासा है तो। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर जो आपको कूलिंग का फंक्शन मिलता है, मोबाइल फ़ोन गर्म नहीं होता जैसे कि आजकल हीटअप हो रहे हैं जिसकी वजह से गेम लैग करती है, तो आप लोग ये बात बिल्कुल भूल जाएँ। उसके अलावा इसकी इतनी स्मूथ डिस्प्ले है कि आपको क्या ही बताऊं। इसके अलावा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन, जो कि बहुत ही जालिम चीज़ है और हर महंगे मोबाइल फ़ोन के अंदर ये होना चाहिए। यह मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है और इसके अंदर तो आपको 60 FPS भी देखने को नहीं मिलते, तो ऐसी बात करने वाले जियालों से दूर रहें क्योंकि वो बकवास कर रहे हैं सरासर। यह मोबाइल बहुत ही हैवी है गेमिंग के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्नैपड्रैगन कोई मामूली चीज़ नहीं है। 18 GB रैम कोई खाला जी का घर नहीं है जिसके अंदर गेम लैग करेगी। इसके अलावा आप चार्जिंग रिकॉर्डिंग जो चाहे दिल में आए करें इसके साथ। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ वेरिएंट्स मिलते हैं मोबाइल फ़ोन के, आप कलर सिलेक्शन कर सकते हैं कौन सा आपको परचेज़ करना है। बाकी थोड़ी सी प्राइस रेंज इसकी हैवी है, लेकिन बैटरी की बात की जाए तो 6000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, 3000 नीचे वाले पोर्शन में, 3000 ऊपर वाले पोर्शन में। और गेमर को आपको पता होगा कि यार गेम के लिए एक बैटरी कितना ज़्यादा डिपेंड करती है। बैटरी अगर अच्छी हो तो भाई मोबाइल फ़ोन ऑब्वियसली सीधी सी बात है मोबाइल फ़ोन तो बंदा परचेज़ करेगा ही अगर बैटरी 6000 mAh की हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा बजट है। इसके अलावा हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की भी बात करेंगे। स्पेसिफिकेशंस के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है इंटरनेट की सेटिंग्स वगैरह। तो इसके अंदर आपको 2 GB मिलता है, 3 GB मिलता है, 4 GB मिलता है और 5 GB मिलता है। 5G की अहमियत आप जानते होंगे यार, 5G पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा इंडिया वगैरह के अंदर कितना ज़्यादा गेमिंग के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार जितना ज़्यादा इंटरनेट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आपको गेमिंग के अंदर फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, बॉडी की हम बात करते हैं 173x77x10.3 mm। इसके अलावा आपको वेट इसका 239 ग्राम मिलेगा और इसके अंदर सबसे जो खास बात है यार वो है गोरिल्ला ग्लास 3 की, और एल्यूमिनियम का आपको फ्रेम देखने को मिलेगा जो कि एक ज़बरदस्त है। अगर मोबाइल फ़ोन गिरता भी है तो उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और यार जाहिर सी बात है अगर इतना महंगा मोबाइल फ़ोन होगा तो सेफ्टी भी तो इसके साथ ज़रूरी है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे डिस्प्ले की, डिस्प्ले के अंदर आपको मिलता है अमोल डिस्प्ले विद 165 Hz। इसके अलावा आपको स्क्रीन का साइज मिलता है 6.78 inches, जो कि इनफ है गेमिंग के लिए। गेमर जानता होगा कि स्क्रीन का साइज कितना ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा आपको रेजोल्यूशन इसके अंदर जो मिलती है वो 1080x2448 pixels, ठीक है। और प्रोटेक्शन आपको पता है ज़रूर होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। गोरिल्ला ग्लास का आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है तो फिर टेंशन नहीं होती अगर मोबाइल फ़ोन गिर जाए तो। बाकी यार मोबाइल फ़ोन गिरते हैं तो स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ये कोई चक्कर नहीं है। मेन चीज़ की हम बात करेंगे, इसके अंदर आपको मिलती है स्टोरेज 512 GB की, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर भी नहीं सकते। इसके अलावा आपको मिलती है 18 GB की रैम, जो कि इनफ है गेमिंग के लिए। भाई 18 GB कोई कम नहीं है, 18 GB बहुत हैवी रैम है जो कि आम मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। तो आप लोग गेमिंग के लिए अगर लेना चाहते हैं तो 18 GB रैम भाई काफ़ी है गेमिंग के लिए, बहुत ही तगड़ी रैम है। इसके अलावा हम बात करेंगे कैमरा की, कैमरा की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 50 MP का मिलता है। इसके अलावा 13 MP का और 5 MP का माइक्रो मिलता है। जो अल्ट्रा वाइड है वो 13 MP का है और जो वाइड है वो आपको मिलेगा 50 MP का। इसके अंदर इसके फीचर्स की बात की जाए तो वो आपको पता होगा, LED फ्लैश हर मोबाइल के अंदर, HDR भी और पैरानोमा भी। इसके अलावा हम बात करेंगे वीडियो की, तो यार 8K भाई साहब 8K, हमारा तो भाई 1080p सपोर्ट करता है, लेकिन यार ये 8K की बात की जा रही है, बहुत हैवी सीन है 24 FPS के साथ। यहाँ पे बहुत ज़ालम चीज़ है 4K एट द रेट 30 and 60 and 120 FPS, यानी कि 4K के साथ आप 120 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे पूरे मोबाइल फ़ोन के अंदर 120 FPS नहीं होते स्लो मोशन के अलावा, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं भाई, वर्ल्ड का बेस्ट गेमिंग फ़ोन है। बाकी 720p एट द रेट 480 FPS, भाई साहब क्या बात कर रहे हैं ये लोग, 480 FPS भाई कम नहीं होता रिकॉर्डिंग के लिए, तो भाई गज़ब है गज़ब, क्या बात कर सकते हैं इस मोबाइल के बारे में।
अब सेल्फी कैमरा के साथ भी आपको मिलता है 1080 एट द रेट 30 FPS, जो कि ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा लाउड स्पीकर की बात की जाए, वो भी ज़बरदस्त एम्पलीफायर्स के साथ मिलते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा तारीफ अच्छी भी नहीं होती किसी स्मार्टफोन की, तो हम बात करेंगे अब फाइनल बात ये है हमारी कि यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। बाकी का आगे वाला गेम प्ले आप लोग इंजॉय करो, इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत ही क्लचेज हैं 1v2 वगैरह के, तो ये बंदे होते हैं अरबी, ये मेरे टीममेट्स को मार रहे होते हैं, तो मैं भी आता हूँ यहाँ पे इनको पेलने के लिए, इजीली इनको मैं पेल देता हूँ। इसके अलावा आगे वाला हमारा जो गेम प्ले है वो है हमारा थोड़ा सा रिफ्लेक्स वाला, एक बंदा ऊपर से आ रहा होता है, एक अचानक से पीछे लेट के मैं इसको भी मार देता हूँ।